यहाँ यहाँ मेरी एड्रेस खाऊंगा। चलो आ जाओ मम्मा, मैं एड्रेस खाऊंगा। हां ये कमरे का बोलो ओके मम्मा। आप मेरी प्यारी मम्मा हो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो चलें जी अल्लाह का नाम लेते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। और व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है बिल्कुल अपने नाश्ते से, क्योंकि बच्चों को मैं नाश्ता दे रही थी, बच्चों को नाश्ता दे दिया, ख़ुद भी कर लिया। और आपने देखा आज मैंने बच्चों को कैसा नाश्ता दिया, क्योंकि हम भी जब छोटे होते थे तो इसी तरह से बकरखानी पापे या केक जो है ना वो पूरे कप में डिप करके फिर खाते थे, तो बड़ा मज़ा आता था। तो मेरे बच्चे ज़्यादातर इस तरह डिप की भी चीज़ नहीं खाते, बट वो कभी कभार बोलते हैं तो मैं उनको दे देती हूँ, ताकि एक जो डिप करके खाने का फ्लेवर होता है ना उसका मज़ा ही अलग होता है। तो बच्चों को मैंने बकरखानियाँ दे दी थी, खुद मैंने पापे खा लिए थे। नाश्ता वाश्ता करने के बाद जी मैं आ गई थी बच्चों के रूम को साफ़ करने के लिए, क्योंकि आज मुझे थोड़ी बेडशीट भी चेंज करनी थी। और देखिए ये जो हमारे तकिए होते हैं ना, जो रेगुलर हम यूज़ करते हैं अपने पिलो को, बच्चों के हों अपने हों, घर में ऑब्वियसली ज़्यादा पिलो होते हैं, क्योंकि मेरे घर में तो 8-10 हैं जो रेगुलर यूज़ होते हैं, यानी कि सबके दो 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 अलग होते हैं। तो आप कोशिश किया करें हर 10 दिन में, जैसे मेरी पूरी कोशिश होती है, मैं हर 10 दिन में एक हफ़्ते के बाद पिलो के जो कवर होते हैं ना नीचे के, जो हम दो दो एक्स्ट्रा हम लोग चढ़ाते हैं, उनको ज़रूर धोया करें, क्योंकि अब बच्चे हैं, रात को सोते हैं, हमारा भी ऐसे ही होता है, कभी तकिए कहाँ पड़े हुए होते हैं, कभी कहाँ पड़े हुए होते हैं, तो थोड़ी बहुत नमी आती है, स्मेल आती है। अगर हम एक एक महीना तकियों के कवर नहीं चेंज करेंगे ना, तो उसमें से स्मेल भी आएगी और फिर वो एक गंदगी होती है, और फिर हमारे ख़ासतौर पर हमारी बच्चियाँ यही चीज़ सीखेंगी। अभी जैसे हमारे बच्चे छोटे हैं ना, तो हम हर हफ्ते की एक रूटीन जैसे रखेंगे कि हमारे हर हफ्ते बेडशीट चेंज हो रही है, चाहे आपके पास एक ही बेडशीट है और आप बार बार वही डालते हैं। जैसे मेरे पास भी बहुत ज़्यादा बेडशीट्स नहीं हैं, गिनी चुनी हुई 2-3 ही है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, हर हफ्ते मैं धो के चाहे उसी को मैं दोबारा डाल देती हूँ, लेकिन एक हफ्ते का टारगेट मेरे लिए बहुत होता है, इससे ज़्यादा मैं कभी नहीं छोड़ती, चाहे वो तकियों के कवर हों, बेड शीट्स हों या कुछ भी हो। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास महंगी महंगी चीज़ें हों या बहुत ढेर सारी चीज़ें हों आप चेंज करें, आपके पास एक चीज़ भी पड़ी। आपने छुरी कैसे पकड़ी हुई है? मेंटेन करके खास तौर पर सफाई, छुरी को यहाँ से पकड़ते हैं, इधर उंगली रखते रख सकते हैं। अच्छा काटो ज़रा दोबारा काटो, ऐसे काटते हैं। वाओ, यहीं से अंदाज़ा लगाओ ये घर में कितनी कुकिंग करती है। ये देखो छुरी कैसे पकड़ी हुई है, क्या स्टाइल है छुरी पकड़ने का। वाओ यार, ऐसे ही पकड़ते हैं ना, ऐसे पकड़ते हैं। ओह मुझे तो पता ही नहीं था यार, ये मैंने सोचा इसकी हेल्प लेती हूँ, छोटे छोटे से आलू हैं इसीलिए। ये देखो ऐसे में ये इस तरीके से। अच्छा आपका दोनों अंदाज बहुत प्यारा है, मेहंदी पकड़ने का भी और ये आलू कट करने का भी। आपके बनाते ही बनाते मैं तीसरा, नहीं मैं तो भाई काम कर रही थी फटाफट, मैंने ये थोड़ा सा क्लिप इसलिए ले रही हूँ कि मुझे आपको क्यों अजीब लग रहा है। फर्स्ट टाइम मैंने देखा है किसी को ऐसे छुरी पकड़ते हुए, ऐसे कौन छुरी पकड़ता है, ऐसे कौन पकड़ता है आप मुझे बताओ। मैं ये वो पकड़ता है जिनको कख कुछ नहीं आता। हाँ सही, आप बकौल आपकी तीन ही तो आलू काटती हूँ। मैंने ये नहीं छील रही हूँ। नहीं छील रही हो आप, लेकिन कैसे छील यार, काम तो कर रही हूँ ना, घी निकालने सीधी उंगली से निकले हटे। सही है, भी सही बोला आपने। ये देख मुझे लगा शायद मेरी जो जो मेरी बहनें मेरी वीडियो देखती होंगी ना, तो उनको भी अजीब लगेगा लाजमी देखकर कि छुरी इस तरीके से पकड़ी जाती है। कभी भी कोई गलती नहीं करें। वैसे कैसे पकड़ते हैं? वैसे ऐसे पकड़ते हैं, यहाँ से पकड़ते हैं यूँ, और फिर यूँ कट करते हैं। हाँ करो करो, वो हाथ कटेगा पीछे करो, ऐसे काटो जैसे काट रही, छोड़ नहीं, ऐसे काटो आप जैसे काट रही, आगे करो काटो, हाथ कटेगा आप छोड़ दे, आप जैसे काट रही आप इसी तरह काट, नहीं कर सके कि उठा लगेगा इतना मोटा छिलका उतार रही हूँ। हाँ ऐसे काट, गुड वाओ, और इस तरह आपका हाथ भी स्पीड में चल रहा है। हाँ ये देखो, अच्छा मैं आपको मेहंदी का भी बताऊँगी, इसलिए मेहंदी भी इसी तरीके से पकड़ती, यूँ करके पकड़ती है मेहंदी भी, ऐसी पकड़ती जैसे आप छुरी पकड़ती हो ना, आप मेहंदी भी ऐसी पकड़ती हूँ मेरे हिसाब से, तो ऐसी कटिंग। हाँ इसके हिसाब से ऐसे कटिंग होती है ऐसे। अब आप वीडियो बनाना, फिर मैं बताऊँगी कैसे कटिंग होती है। लेकिन आप छील के तो दे रही, छील के आप मुझे दे रही हूँ, मैंने ये सोचा छोटे छोटे सारे से कटवाऊंगी, लेकिन आपकी छुरी छुरी का अंदाज मैंने देखा ज़बरदस्त, मुझे बहुत अच्छा लगा ज़बरदस्त। ये आपकी मैं
फर्स्ट टाइम मैंने आपसे पहली दफा कुछ किचन का काम करवाया है ना, वो भी सिर्फ इसलिए कि आपको भूख लग रही है। खीरा भी मैं काटती हूँ, आम फूल पड़ेगा, हर चीज़ है। अच्छा भैया मैं छुरी पकड़ती है। अच्छा, इस तरीके से छुरी पकड़ती है। चलिए जी, मैं काम करूँ, उसको दिखाने के चक्कर में जो है ना, मेरा नहीं छोड़ दो, जैसे काटती हूँ बिल्कुल सही काटती हूँ। आप मेरे एक दफ़े सिखाने पर नहीं सीख सकती हो, आप नहीं कर सकती हो सही। चलो सफाई वगैरह करने के बाद जी मैं बना रही थी आज चावल बना रही थी, और उसके लिए मैंने अपनी बहन की हेल्प ली सिर्फ आलू छीलने के लिए। और उसका छुरी पकड़ने का अंदाज़ मैंने फर्स्ट टाइम मैंने देखा, मुझे इतनी हैरत हुई। मैं कहा ऐसे छुरी कौन पकड़ता है, क्योंकि शादी से पहले तो ये सबसे छोटी थी तो बिल्कुल भी काम वाम इससे नहीं करवाते थे। और शादी के बाद जैसे अब ये मेरे घर में जब आती है तो मैं ज़ाहिर है जब बहनें घर पर आती हैं तो हम उनसे काम तो नहीं करवाएंगे ना, तो मैंने से बोला मुझे आलू छील के दो ताकि मैं जल्दी जल्दी जो है ना इसमें आलू डाल दूं और फिर मैं चावलों को बीच में डाल दूं। तो वो जब आलू कट कर रही थी उसके जो छुरी पकड़ने का अंदाज़ था मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा और मुझे इतनी हंसी आ रही थी, तो इसीलिए मैंने सोचा आपको भी दिखाती हूँ छुरी पकड़ने का अंदाज़, देखे नया यूनिक। और जी इसके बाद खाना वाना हमने खा लिया था, बना लिया था, और उसके बाद ये मैंने ट्राईपॉड मंगवाया था क्योंकि मेरी रिंग लाइट ख़राब हो चुकी थी, बिल्कुल डैमेज हो गई थी क्योंकि मैंने बड़ी ही सस्ती वाली ली थी। वो कहते हैं ना सस्ता रोवे बार बार महंगा रोवे एक बार, बट मैंने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं ली थी, सस्ती वाली ही ली थी तो वो ज़्यादा नहीं चली। अभी मेरे चैनल को भी इतना टाइम नहीं हुआ है और वो उससे पहले ही जो है ना ख़राब हो चुकी है, यानी कि मुझे लगता है 3-4 महीने चली होगी बस और वो ख़राब हो चुकी है, मतलब बिल्कुल भी उसमें से मोबाइल मेरा 3-4 दफ़ा घिर चुका है। तो इसीलिए फिर मैंने अभी ट्राईपॉड मंगवा लिया था और ट्राईपॉड की अनबॉक्सिंग मैं आपके सामने कर रही हूँ, आप देखें कैसा है। अब मैं भी यूज़ करूँगी तो पता चलेगा ये भी ठीक है कि नहीं, बट अभी तो गुजारे के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक ही होगा। दिखाती हूँ आप लोगों को मैं मिट्टी, ये देखें चलें जी आप लोगों को दिखाती हूँ मैं आज अपनी जो मैंने कपड़े सिलवाए वो दिखाती हूँ। कपड़े दिखाने थे जो मेरे कपड़े सिलकर आ चुके हैं, निकालती हूँ मैं वो कपड़े और दिखाती हूँ आपको। इसको बंद करते हैं और ये जी हम एक वो ड्रेस सिलकर आ गया है, ये तो मैंने अभी शेयरिंग करना है, एक ये ड्रेस है और एक ये है। चलें जी इस ट्राईपॉड में लगाती हूँ और फिर आपको मैं दिखाती हूँ। ये ट्राईपॉड भी मैंने न्यू लिया है, अच्छा आज पता चल जाएगा कि इसमें फिक्स हो रहा है कि नहीं मोबाइल। इसमें लगाती हूँ फिर आपको वो ड्रेस दिखाती हूँ। और कपड़े मेरे सिलकर आ चुके थे, जो 3 ड्रेस मैंने आपको दिखाए थे जो मैंने शिलिंग किए थे लेकर आई थी, तो मैंने कहा चलें जो सिलकर आ गए हैं तो आपको मैं दिखा देती हूँ कि कैसे सिलें। वैसे तो मैंने बिल्कुल सिंपल से सिलवाएं क्योंकि ये वो कपड़े होते हैं जो हमने एक आध दफ़ा जिसे पहन के, चाहे वो आप ईद पर पहने या किसी के घर जैसे अमीरों के घर चले गए या कहीं पर भी आप चले गए ससुराल चले गए, तो एक आध दफ़ा पहनने के बाद फिर आपने इसको घर में ही पहनना होता है, तो इसीलिए बिल्कुल कंफर्टेबल जो है ना कपड़े मैंने सिलवाए। कोई ऐसा मैंने बहुत हैवी लेसेस वगैरह और फैंसी लेस इस तरीके से मैंने नहीं सिलवाए ताकि घर में जब हम पहने तो हमें इजी हो। अब देखिए मैंने इसके पैंचे अच्छे खुले खुले रखवाए क्योंकि आजकल तो बड़ा चल भी रहे बॉक्स पैंट जो है इस टाइप की, बॉक्स पैंट तो खैर ये नहीं है बट स्टाइल वही है,
और क्योंकि खुले खुले अच्छे होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है और ख़ास तौर पे मैं ज़्यादा लेस गले की साइड पे नहीं लगवाती हूँ क्योंकि इतनी गर्मी लगती है, कढ़ाई वाले कपड़े हो या गले पे लेस हों तो वो नहीं रखवाती हूँ ताकि गर्मी ना लगे। और ये आप देखें जी, सिंपल सी दो साइड पर लेस लगी हुई है और ये दामन पर, अच्छा मैं आपको बता रही हूँ दामन की लेस और ये जो साइडों पर लेस है ये एक ही लेस थी, तो मैंने ये थोड़ी सी चौड़ी थी तो मुझे लगा ये बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जाएगी जब हम साइडों पे इस तरीके से रखवाएंगे, तो मैंने बीच में से कट कर दी थी। तो देखिए कितनी प्यारी अच्छी भी लग रही है ये, वीडियो में तो इतना इनहेंस नहीं हो रहा है, दिख रहा नहीं है, बट ये रियल में बहुत प्यारी लग रही थी। तो इस तरीके से अब लेस भी पूरी हो गई थी और अच्छा भी लग रहा था। अच्छा ये स्लेट मैं आपको दिखा रही हूँ, आप जब भी अपने कपड़े टेलर को दें, किसी को भी सिलवाने के लिए दें, तो अपने ये हिप साइड की जो आप लोगों की जो चाक वाली साइड के जो साइड होती है ना, यहाँ पे ये एक छोटी सी पट्टी की स्लेट लगती है, आप ज़रूर लगवाया करें, आपके कपड़े कभी भी नहीं फटेंगे। अक्सर ऐसा होता है ना कि पीछे से कभी कमीज़ किसी चीज़ में अटक जाती है या कुछ भी हो जाता है, आप खड़े होते हैं या अचानक ऐसा होता है कि पीछे से कमीज़ को अगर खिंच लग जाए तो कमीज़ फट जाती है इस जगह से। तो अगर आप ये स्लेट लगवाएंगे तो कभी भी नहीं फटेगी, कभी भी नहीं। मेरे पहले इस जगह से कपड़े अक्सर फट जाते थे, मैं टेलर को कंप्लेंट्स भी करती थी, बट अब वो जब से ये स्लेट लगाने लग गए ना, तो अब मेरे इस जगह से कभी भी कपड़े नहीं फटते। और जी वो ड्रेस दिखाया था, उसके बाद ये वाला ड्रेस दिखाया, बहुत खूबसूरत है ये वाला ड्रेस भी, देखें बिल्कुल सिंपल सा, मैंने खुद इसमें कोई ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करवाई है क्योंकि ये लॉन के कपड़े हैं और इसको हमने घर पर पहनना होता है, तो मेरी कोशिश ये होती है कि ज़्यादा लेसें भी ना हों ताकि तंग ना हों गर्मी में पहनने, घर ठंडे ठंडे कपड़े होते हैं तो जितना ऊपर डिटेलिंग होती है ना उतना फिर घर में पहनने से थोड़ा मुश्किल होती है। तो ये देखिए मैं आपको हर कपड़ों की स्लेट दिखाऊंगी, सबके साथ ये लगी हुई होती है, तो आप भी ज़रूर लगवाया करें यहाँ ये स्लेट। और जिनको जिन मेरी बहनों को सिलाई आती होगी तो वो तो खुद भी इजीली ये लगा सकती होंगी। और ये मेरा खाड़ी का सूट था, बहुत ही प्यारा, और इस पर भी देखिए मैं जो लेस लेकर आई हूँ बहुत ही प्यारी लेस थी, और सिर्फ मैंने दामन और आस्तीन लगाई, गले पर मैं बिल्कुल भी लेसेस वगैरह नहीं लगवाती हूँ क्योंकि मैं बहुत तंग होती हूँ गले पे लेस। और कितने कपड़ों के तो ऐसे मैंने गले पे लेसें बाद में खोल दी, खुलवाई हैं कि तंग हो जाता है बंदा। इसके भी पाइचे आप देखें बहुत, और ये बॉक्स पैंट है, नीचे जो फ्रोजी वाली स्काई वाली दिखाई थी वो बॉक्स पैंट नहीं थी, बट ये वाली बॉक्स पैंट सिलवाई है मैंने। और ये देखें जी, ये इसका सिम, इसके ऊपर तो मैंने कुछ भी नहीं करवाया क्योंकि ये मुझे अभी इन्हीं दिनों में घर में पहनना था सूट, तो इसीलिए इसके ऊपर मैंने कोई लेस वेस नहीं रखवाई, बिल्कुल सिंपल सा है। इसकी आस्तीन देखें, सिर्फ आस्तीन पे इसका थोड़ा सा चेंज प्रिंट है ग्रीन कलर का, और ग्रीन कलर का ही मैं इसका दुपट्टा लेकर आई हूँ, वो मैं दिखाना भूल गई, अलमारी से निकालना ही भूल गई थी मैं। और सिंपल सा ये मेरा ड्रेस, इसके ऊपर मैंने कोई लेस वेस नहीं लगाई क्योंकि ये मैं पहन चुकी हूँ ये ड्रेस, तो बस ये मेरे तीन ड्रेस थे। और इंशाल्लाह बाकी भी सिल कराएंगे तो वो भी आपको दिखाऊंगी। एक और जो मैंने ग्रीन वाला साइड पे रखा हुआ है वो भी बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है, वो भी इंशाल्लाह जब सिल कराएगा तो आपको दिखाऊंगी मैं। वैसे तो सिंपल से ही सूट हैं क्योंकि गर्मियों में सिंपल और हल्के सूट अच्छे लगते हैं। तो ये थी मेरी आज की